ये देखिए कैसे मादा पॉक्यूपाइन अपने बच्चे को जन्म दे रही है। 79 से लगभग 200 डेज के गर्भधारण अवधि के बाद मादा पॉक्यूपाइन अपने बच्चे को जन्म देती है, और ये गर्भधारण अवधि पॉक्यूपाइन के अलग अलग प्रजातियों पे निर्भर करता है। पॉक्यूपाइन एक बारी में 4 से 5 बच्चे को जन्म दे सकती है, जो कि अलग अलग नस्लों पे डिपेंड करता है। ज्यादातर समय 2 से 3 बच्चों को जन्म देते हुए ही देखा गया है। जब बेबी पॉक्यूपाइन जन्म लेते हैं ना, तो उनके कांटे काफी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद कुछ ही दिनों में उनके कांटे हार्ड हो जाते हैं। बेबी पॉक्यूपाइन अपनी माँ के साथ 4 से 5 महीने तक रहते हैं। बच्चे 9 महीने से 2 साल के बीच पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। वैसे क्या आपने कभी पॉक्यूपाइन को देखा है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।